नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं जनपद चमोली गढ़वाल के गांव कफारतीर को। ये वही गांव है जहां आज सौर्य महोत्सव हो रहा है। सौर्य महोत्सव इसलिए हो रहा है कि यहां के निवासी विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरमान सिंह थे जी, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में विदेशों में लड़ाई लड़ी है और अंग्रेजों ने उस समय उनकी बहादुरी और उनकी शौर्य गाथा को देखकर, उनकी शौर्य को देखकर उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा था। हम आपको ले चलते हैं उस पंडाल की ओर जहां पर ये पूरा महोत्सव हो रहा है। आप इतम जो देखना चिन्ह कि सेना का बैंड जो छिन वो डिस्प्ले करना चिन्ह, यानी कि प्रदर्शन करना चिन्ह, और लोग बड़ा चाव से बड़ा उत्सुक से देखना चिन्ह कि इन भूंद क्या, और बहुत सुंदर कदम से कदम तार मिलाएगी जो सेना का जवान छिन वो चलना छिन, कभी बाएं मुड़ना छिन कभी दाएं मुड़ना छिन, और बहुत सुंदर एक कदम तार उनको दिखने को मिलनी छ, और जैसे देखे लोग बड़ा प्रसन्न होना छिन और लोग वहाँ बहुत खुशी छ कि सेना जब देश सेवा कर दे वक इन प्रकार का प्रदर्शन करे कि बच्चों में नए जवानों में नए छुआड़ी का दगड़ों में नए ऊर्जा प्रदान कर सकते। बहुत सुंदर प्रदर्शन सैनिक का द्वारा, सैनिक का बैंड का द्वारा यू डिस्प्ले करे गए। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी जनता से अनुरोध करूंगा कि उनके इस अच्छे कार्यक्रम के लिए जोर से तालियां। यखम आप देखना छो कि नौनियाल भी छिन, कुछ स्कूले बच्चा भी छिन, और पल छोड़ उन्हें जो फौज में छिन भर्ती वो यहाँ फौज लोग छिन उनके अपन मंडाल से जुचा, और वो भी आ गिन ये तरफ टेंट लगिया छिन, और यूँ टेंटों का मुड़ी विभिन्न प्रकार का विभिन्न विभागों का स्टॉल लगिया छिन, कखिम कुछ ही कखिम कुछ ही सेना का तरफ बड़े भी स्टॉल लगी छे, जखम वो ये मेला माया लोगों को परीक्षण करना चाहे, कोई बीमार चाहे तो वे तो दवाई देना चाहे, वे कुछ जन बोले जन चेकअप करना चाहे वो करना चाहे है का तरफ सरकार विभाग का पशुपालन का भी यखम स्टॉल लगी छे, शिक्षा विभाग को स्टॉल लगी छे, और तमाम और भी विभाग का यखम स्टॉल लगे छे, लोग उन वखम गए और वे को फायदा उठे। आप देखना छो कि मंच में छोटे छोटे नौनियाल पांडव बने की पांडव नृत्य करना छिन, पंडोल शुरू हो गए, और वे का बाद आप देखना छो कि छोटे छोटे नौनियाल कोई युधिष्ठिर बनु छ, कोई भीम बनु छ, और कोई अर्जुन तो कोई नकल और कोई सहदेव। ये महोत्सव शौर्य महोत्सव का नाम से जो जुड़े हुए ये का संरक्षक श्री भुवन नौटियाल जी हमारे बीच हैं, उन कथ के यु काम करी कख बड़ी प्रेरणा ली और मन में क्या बात आई तमाम जानकारी उनसे लें दो। हाँ नौटियाल जी, जी ये सब कुछ कन के वीसी साहब के सोची छे उन कन के उते चक्र मिली तमाम बात बताओ दी। वीसी दरबान सिंह नेगी जी जब 23 और 24 नवंबर 1914 ने उन युद्ध में जो पराक्रम दिखाए वे वास्ते उन्होंने चुनी गए विक्टोरिया क्रॉस के वास्ते, और जब उनका पराक्रम उन्हें लंदन में बैठे सम्राट को पता लगी तो वही वीरता से इतने प्रसन्न हुए वो बोली ये विक्टोरिया क्रॉस दीजिए, जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस की बात दीनी और वो पूछी भाई अब दी बात बताओ, तो उन्होंने दी बात ये बताई कि एक तो मेरा स्कूल मेरे क्षेत्र में स्कूल चैनी अंग्रेजी मिडिल को, और हरिद्वार से कर्ण पे आता रेल लाइन चैनी,
तो 2-3 मिनट तक जो सम्राट छो अचंभित होगी और उन तरफ देखना कि भाई ये दुनिया में कन्वे आदमी से लोग अपना अभी तक जत मांगे, जागीर मांगे, पैसा मांगे, धन दौलत मांगे और ये तो अपना मुल्क का वास्ते मांगो और वो एकदम से स्वीकार भी करी और बड़ा अचंभ में रहे। लेकिन हम तो ये मानना कि वीसी साहब वाले के एक फ्रीडम फाइटर भी रहे, फ्रीडम फाइटर ये मामले में कि उन्होंने बहुत चालाकी के साथ एक आज़ादी की लड़ाई को छद्म युद्ध जीती, शिक्षा की आज़ादी, स्कूल खुली, लोगों आँख खुला, गुलामी और आज़ादी का बीच फर्क पता लग लो। एक नंबर दी विकास की आज़ादी, रेल जाली तो विकास का रास्ता सब खुला, तो दी आज़ादी उन्होंने मांगी। तो ये महामर मानने की उन्होंने एक नया रास्ता 1857 की गदर के बाद ये पहले मौका जो सेना में जब लोगों ये सोचे कि सेना में भी कुछ हम देश का वास्ते कर, ये सबसे हम उन्हें एक प्रेरणा मिली। एक विद्यालय को हम शताब्दी समारोह मनाए। फिर स्वागत कार्यक्रम में प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुँच गिन। हमारे पीछे आप देखना छिन कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुँच गिन और इन्हा लोग जो छिन उनकी तैयारी में खड़े हुए छिन, उनका स्वागत खातिर तैयार हुए छिन। धन्यवाद और सभी जनता से अनुरोध करूंगा कि उनके इस अच्छे कार्यक्रम के लिए जोर से तालियां, तालियां बजती रहनी चाहिए। धर्मान सिंह जी को यहां पर आप लोगों ने याद किया और यहां पर इस मेले का आयोजन किया है, ये हमारे बेहद गर्व की भी बात है और खुशी की भी बात है। गर्व की बात इसलिए कि जिस देश में, जिस धरती पर वीरों की पूजा नहीं होती है, वो देश ज़्यादा दिन तक आज़ाद नहीं रह सकते हैं, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते हैं। और इसलिए हमको गर्व है अपने सैनिकों पर, अपने गबर सिंह नेगी जी जैसे अनेक ऐसे सैनिक जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, अपनी आन बान और शान के लिए, उसकी रक्षा के लिए सब कुछ समर्पित करने वाले हमारे यहाँ पर सैनिक भी यहाँ पर हमारे मौजूद हैं और इसलिए मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि इस मेले को आपने शुरुआत की है, इस मेले को मैं राजकीय मेला घोषित कर रहा हूँ। पहला हमारा ये जो हमारे सैनिकों को समर्पित होगा और 5 लाख रुपया सालाना इसके लिए दिया जाएगा, इस बार भी 5 लाख रुपया आपको दिया जाएगा। विक्टोरिया क्रॉस धर्मान सिंह नेगी जी का जो आवास है, इसका मैं जीर्णोद्धार इसका सरकार करेगी, यहाँ के जिलाधिकारी यहाँ पर होंगे, उसका बहुत जल्दी उसका डिजाइन तैयार करके और आप सरकार को एस्टिमेट भेजेंगे तो हम इसको यहाँ पर बहुत अच्छा बनाएंगे। सड़कों का काम है, सड़कों का काम तो वैसे ही हम लोग सब गांवों को जोड़ने के लिए 200 तक के गांव लगभग हम जोड़ चुके हैं, अब उससे नीचे की आबादी के जो गांव हैं उनको जोड़ने के लिए हम लगातार हम लोग उसमें लगे हुए हैं। आज ये मौके पर हम समेत उनका परिजन चिन्ह और परिजन न बल्कि उनका सबसे छोटा नौना हमारे बीच चिन्ह दिखना हम कंछा वो जन हम फोटो में देखना चाहूँ तनी छाए। मेरे पिताजी बड़ा दबंग किस्म का आदम छ, बहुत जोशीला आदम छ और गुस्सा उन्होंने बहुत जल्दी आ जन छो और मेरे ख्याल से ही वो गुस्सा का जोश में ही उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुश्मनों पर हमला करे और कोई अपने जाने की फिक्र न करके तो ये जोश में ही उन्होंने लियो कार्यक्रम करे। अब हम प्रथम विश्व युद्ध की हुई घटना तय जन चौला और हमारा सब दर्शक जन चौला कि युद्ध कन हुए, कनूल विजय प्राप्त करी और फिर कन के होते यो विक्टर क्रॉस से नवाजित करेंगे। आपने मैं बता दूँ कि फर्स्ट गढ़वा प्रथम विश्व युद्ध का टाइम हमारे गढ़वाल राइफल के सिर्फ 2 बटालियन थे, फर्स्ट गढ़वाल और सेकेंड गढ़वाल। तो जब विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 जुलाई में तो हमारे 2 पलटनों का फर्स्ट गढ़वाल और सेकेंड गढ़वाल तो आदेश हुए कि फ्रांस जाना का वास्ता। तो फ्रांस जान में परिस्थिति का मुकाबला बिल्कुल भिन्न च। जब वो फ्रांस में पहुँचा अक्टूबर का महीना में तो उबारी इत्तेफाक से बर्फ गिरने लग गया और पानी पड़ने लग गया, तो टेम्परेचर इतना हो गया जन हमारा हिंदुस्तान में
दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना पीक जो विंटर हुआ ना उतना टेम्परेचर हो गया, लेकिन फिर भी ये लोग खाइयों में रहे और करीब 60 दिन तक खाइयों में रहे, खंदकों में रहे। और यहाँ तक कि ये जो खाई जो बनते हैं उसके साइड में दीवार काट करके वो लोग जब पाँव में भीग जाते थे पानी से, तो जो खाई के उसमें अंदर दीवार काट करके वहाँ पर रात को बैठ के आराम करते थे। हम बहुत देर बड़ी पड़ा उत्सुक हैं चौं मैं नज़र तो दैन तड़प या सबसे किनर एक दिखण तो छोटो छ लेकिन महत्व बहुत बड़ो छ, वो कै का मेडल छिन और वो आपका धारण करें छ। ये अभी सेना में आदेश हुए गया और इजाज़त हुए गया कि जो सैनिक होता है वो अपनी बाएं तरफ यानी इस तरफ अपने मेडल को लगाएगा, और अगर उसके पिताजी या उसके पुरखे कोई फौज में थे तो उनके मेडल को और उनके डेकोरेशन को वो दाहिने तरफ लगा सकता है। तो ये जो मेडल मैंने लगाए ये एक्चुअल मेडल नहीं है, ये मेन मेडल नहीं है, ये इनको बोल ये जो बोला मिनिएचर मेडल, ये मिनिएचर मेडल छ। तो मेरे दाहिने तरफ जो मेडल है वो मेरे पिताजी के मेडल है। ये सौर्य महोत्सव स्वागत कार्यक्रम और ये कार्यक्रम का अध्यक्ष श्री लखपत सिंह नेगी जी से बात करना चाहो। नेगी जी, ये कार्यक्रम आप लोग उरे आप लोग कना छिन, आप बहुत सारा दिक्कत है आवली खैरे आवली जी, कोई खैर है दिक्कत? हाँ, ये खैर तो आई है, अभी हम जो है क्षेत्र में जो है इसके लिए बहुत वो करना पड़ा, हमें प्रयास करना पड़ा। 15 ग्राम सभाओं का हमारा एक वो बना रखा था, कमेटी बना रखी थी न्याय पंचायत जागपाड़ियों के, उस पर कुछ ग्राम सभाएँ शामिल नहीं हो पाई जिनको हम जो है बड़े प्रयासों से वो करना पड़ा। घर घर गांव गांव में गए, लोगों को एकत्रित किया, और इसमें विशेष रूप से हमारे जो हैं मेरे साथ में जो है ये अवकाश प्राप्त जो है गुरुजी है जी एस फरसवान जी जो गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत सहयोग दिया मेरे को गाँव में जो है लोगों को एकत्रित करने में, और उससे गाँव ने काफ़ी सहयोग भी बढ़ा दिया है। और बाकी जो है पहली बार हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें ये इतना वो नहीं था कि भाई कि हम किस रूम में इसको ले जा पाएंगे, कितना मदद हमको मिल पाएगी या हम इस वाहन को उठा भी सकेंगे। और ये माँ कन कन लोग हैं और को लोग हैं जन गांव के ग्राम सभा की महिला मंगल दल चिन्ह स्कूल और को इनके छात्र गाँव से हमारे जो है प्राथमिक पाठशालाओं से और राजकीय इंटर कॉलेज तक के जितने भी छात्र छात्राएँ थी उनका इसमें भाग लेना, इस सौर महोत्सव में भाग लेना, या प्रत्येक न्याय पंचायत के प्रत्येक ग्राम सभा से उससे भी बाहर जितने भी हमारे अन्य ग्राम सभाओं के साथी थे उनने भी हमें इसमें प्रतिभाग में साथ दिया, मैं उनका हार्दिक तह दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ उन लोगों को। ये कौथिक माँ जलेबी भी तैयार होना चिन और एक समोसा भी बढ़ना चिन आ भैजी खूब तलना चिन लगन चिन कि आज छपे कौथिक राला और समोसों को भी मजा ले आला। दगड़ा दगड़ी उन्हें हम देखना चो कि समोसा तैयार होना चिन और एक भैजी जो चिन उसे बेलना चिन तैयारी होनी चिन उन्हें और भी चीज़ वो चिन सब लोग अपड़ अपड़ पार्टियों का काम करना चिन, कोई तलनु चा कोई बनानु च कोई वलनु च और कोई मुँह अभी कचो तैयार थोड़ी देर में जाके तल जाला उन्हें एक भैजी कुछ और भी करना चिन तैयार शायद लड़ू छ कि वो कोई सूप बनाना चिन है ना सूप बनाना चिन तो देखा कि सूप के आँख बढ़नु चा जरा चाय भी बढ़नी चु और चाय पिलाना तो जर चाय भी पिलाओ दी। ये जो सौर्य महोत्सव की जो बुनियाद पड़ी हमारो शताब्दी समारोह 26 अक्टूबर 1718 एक साल पूर्व शताब्दी समारोह चली, और हम शुरू में एक जो 26 अक्टूबर 2017 में करणप्रयाग में एक मीटिंग हुई प्रोग्राम हुई एक साल पहले शताब्दी समारोह का, क्योंकि विक्टोरिया टॉ दरबान सिंह नेगी जी ने एक तो करणप्रयाग इंटर कॉलेज की मांग करी छे ते टाइम इंग्लिश मीडियम मिडिल स्कूल और रेल, तो वे के बाद हम क्या करी कि सबसे पहली यो हुए कि हम 24 जून 2018 में वो की पुण्यतिथि 68वीं पुण्यतिथि विक्टोरिया कॉलेज दरबान सिंह जी की उनका गौर पर मनोड़ा। अब पुण्यतिथि का वास्ता जो मल्टी सम्मान का साथ हम मनोड़ जो
तो फिर मैं ब्रिगेड कमांडर से रिक्वेस्ट करी जोश मठ जैते वो तो पूरे स्थिति का बारा में 14 अक्टूबर मैंने ब्रिगेड कमांडर से रिक्वेस्ट करी कि सर मैं तो ये एक बैंड कैंटीन और मेडिकल कैंप का फातिर में लगाऊँ। तब हम डिसाइड करी कि भाई एक शौर्य महोत्सव का आयोजन किया जाए, शौर्य महोत्सव को आयोजन कपातिर में किया जाए। अब डेट का ये हुआ कि या तो उनकी जन्मतिथि या पुण्यतिथि या जिस दिन उन्होंने अपना शौर्य पराक्रम दिया था फेस्टबर्ग फ्रांस में। ये शौर्य महोत्सव कार्यक्रम में क्षेत्र का लोग बढ़ चढ़ के भाग ले, महिला दीदी भी कखी में पिछने रहे, क्षेत्र की तमाम महिला मंगल दल का लोग वो कह दीदी बोलून बढ़ चढ़ के भाग लेन, स्कूल नौनियाल भी बढ़ चढ़ के भाग लेन। देख दो ये कार्यक्रम में दीदी बोलून और नौनियाल कन के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करीन, देखा एक झलक। Yeah.
मेरे को चलने देना, शॉर्ट में शॉर्ट बदल देना, तीन मिनट तक ऐसे चलने देना, वहाँ से लेना ये महोत्सव में दूर बटी की दीदी भूली सब लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लें। अब बात कर ला दूर बटी के भूली से आप अपनो रजनी नेगी गांव नाम रेंस चोपता कितना दूर है बटे कितना किलोमीटर हो 10 किलोमीटर जाए 10 किलोमीटर आपको को लोग आए हैं मेला में सारी महिला मंगल दल युवक मंगल दल सब लोग आए हैं आपको कुछ नाम लियो एक दो दीदी को महिला मंगल दल अध्यक्ष गोदाम्बरी देवी और हमारे सचिव श्रीमती राखी देवी और ये कफातीर से जो दीदी भूली सब ये क्षेत्र बहुत अच्छा लगुण और यू पहली बार ये स्वतंत्रता सेनानी हमारे जो प्रथम विक्टोरिया क्रॉस सुश्री दरवान सिंह नेगी जी से बहुत बड़ी उपाधि उन्हें और हमारे क्षेत्र वास्ते बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े सम्मान और इतनी
बड़ो योद्धा जो कि पूरा देश न विश्व में भी उन्होंने ख्याति चे और उन्होंने विख्याति चे और उन्होंने पे यू मेला लागू तो सारे न्याय पंचायत सारे इलाका में सारे क्षेत्र में बहुत उत्साह चे और बहुत बढ़ चढ़ के सब भाग लेने चे ये मेला में। आप लोग उनके भाग ले के कह रही कलश यात्रा हम लोग हम सौर्य रथ हमारे गाँव रहे इसमें भी आए और रात्रि विश्राम हमारे गाँव में भी रही और हम लोग उनका नल साहब नोटियाल जी का और उन्हें स्वागत केरी बहुत बढ़ चढ़ के महिला मंगल दल युवक मंगल दल क्षेत्रीय लोग उन्हें बहुत बढ़ चढ़ के भाग ली और बहुत अच्छा लगे मतलब समाज में एक अच्छा संदेश भी गए कि भाई वीरों की गाथा और महिला मंगल दल अपना कार्यक्रम में भी देखने की भाई देशावास जवान इनके ने अपने कुर्बानी दिया और इति बड़ा तो हमारे क्षेत्र में इति बड़ो नाम चे हम लोग तो और भी सीना ऊँचा है कि भाई इति बड़ो नाम चे और उन्होंने पे पहला बार हमारे क्षेत्र में मेला लगे तो बहुत उत्साह सभी में एक साल भी होने वाले प्रत्येक साल हाँ ये साल भी शुरू है प्रत्येक साल हर साल हो इंतजार हाँ इंतजार हो तैयारी आँच भी शुरू होगी। बहुत बहुत सुंदर आप लोगों हमसे बातचीत करी और दूर बैठे कहें छिन धन्यवाद। ये महोत्सव प्रांगण बड़े की अपने स्टूडियो लौटना छो अपना टीम का दगड़ी ये सोची की कहेंगे दो फिर ये गांव हम फिर औला।